Hello everyone, this is Harshan, a proud FinTrammer and a faculty for Financial Accounting. Welcome to FinTram's Financial Accounting Memory 8 series. As you know, there are so many concepts and so many topics in financial accounting which is hard to memorize and really really important for the purpose of financial accounting exam. So what FinTram has done, we have created some short videos that will help you to memorize such concepts, and it will also help you when you are about to take your exam to give a quick review. So let's see what our today's topic is about. Sorry for interruption, but do you know what is the difference between you and the more aware version of you? Your more aware version would subscribe to our channel FinTram Global and press the bell icon. For keep getting these videos and these updates, subscribe to our channel and press the bell icon right now. Our today's topic is about tips to tackle multiple choice question. जो आपका financial accounting exam है, ये mainly किस पे base है? हमारे MCQs पर. MCQs as in हमारे objective test questions पर. तो आपको अगर multiple choice questions आते हैं, तो आपको उसको कैसे solve करना है, उसको कैसे tackle करना है, और अपने maximum marks कैसे gain करने हैं, उसके बारे में आप समझने वाले हैं. हमारा सेक्शन ए किससे रिलेटेड है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन से. ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं. सबसे पहले हमारा स्टेप है, स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड रीड इट केयरफुली. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपको रीड करना है, उसको अच्छे से रीड करना है, थॉरली देखना है और समझना है कि ये क्वेश्चन किससे, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है. उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्क आउट द आंसर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शन. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे जर्नल एंट्रीज की या कंसोलिडेशन की या ट्रायल बैलेंस की या फिर टी अकाउंट्स की, अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, तो सबसे पहले आप उस कैलकुलेशन को करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शंस देखने के बाद मैच योर आंसर विद द गिवन ऑप्शन. जो भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसको आप अपने ऑप्शन से देखेंगे, क्या वो मैच कर रहा है. अगर आपका मैच कर रहा है, कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपके जो रॉन्ग आंसर निकल के आते हैं वो भी ऑप्शन में दिए होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक करने वाले हैं. तो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसको अच्छे से सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखकर सॉल्व करना है, ताकि आप कोई भी मिस्टेक्स ना करें. जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आप अपना आंसर राइट, अगर मिलेगा आपको ऑप्शन तो उसको क्लिक करना है. अगर वो राइट ऑप्शन नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, रीरीड द क्वेश्चन, मतलब आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे. और अगर कोई ऑब्वियस आंसर है जो आपको पता है कि इस क्वेश्चन से रिलेट करता ही नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे. अगर आपके पास चार ऑप्शंस है, चार में से दो ऑब्वियस आंसर थे जो आपने एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस रह जाएंगे. अगर दो ऑप्शन में से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आपको इसको एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है. रीड करने के बाद उसको अच्छे से कैलकुलेट करना है और फिर देखना है कि आपका ऑप्शन मैच करता है या नहीं करता. अगर तब भी आपका क्वेश्चन मैच नहीं करता, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को फ्लैग कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे. आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है एक क्वेश्चन पे. आपको अपना टाइम क्या रखना है, 1.8 मिनट पर क्वेश्चन रखना है पर 2 मिनट. सो आपको हर क्वेश्चन पे इतना ही टाइम एलोकेट करना है. इससे ज़्यादा लगता है तो आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन को फ्लैग कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होने के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर कहीं क्वेश्चन पे अटकते हैं तो उसको फ्लैग कर देंगे. जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो आप आएंगे अपने फ्लैग्ड क्वेश्चन पर. फ्लैग्ड क्वेश्चन को फिर अच्छे से एक और बार देखेंगे और उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे और अपने ऑप्शंस को मैच करेंगे. इस एग्जाम में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जाम है, ECC के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो अगर आपका ऑप्शन तब भी लास्ट में जाकर भी मैच नहीं करता, ऐसे बहुत टाइम पे होता है, जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आंसर नहीं हो पाए थे, तो मैंने क्या करा, उनको आंसर नहीं छोड़ा, उनको ऑप्शन तो क्लिक करा ही था. मैंने पहले तो क्या करा, सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया ऑब्वियस आंसर. जो ऑप्शन मेरे पास बचे हुए थे उनमें से मैंने जो मुझे सबसे ज्यादा क्लोज लग रहा था उसी को मैंने क्लिक कर दिया. क्योंकि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रखना, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं. इस तरीके से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेन कर सकते हैं अपने मार्क्स में और अपना एग्जाम बहुत ही इजिली पास कर सकते हैं. ये सब कुछ रिलेटेड था हमारे MCQ से. ऐसे आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको इसी
इसी टैक्टिक से, इसी स्किल से आपको सॉल्व करना है और उसको कंप्लीट करना है. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू वांट टू कीप वॉचिंग सच वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब आवर फिनट्रैम ग्लोबल यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन. सो whenever we post anything, you will be the first person to get it. With this, I'm Harjan signing off now.